नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एरा एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाया है उसके बारे में। एरा मतलब एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नया प्रोविजन ऐड किया है, तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर बिल को लेके वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक डिटेल्स, फिर ये अमेंडमेंट बिल में क्या नया प्रोविजंस है, एंड नीड टू अमेंड द एरा एक्ट क्या है, एंड बेनिफिट्स ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन क्या है, एंड फाइनली व्हाट आर द अप्रिहेंशंस। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट ने रिसेंटली मानसून सेशन में एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है। एक्चुअली ये बिल टेबल हुआ था मार्च में जब बजट सेशन चल रहा था, पर एट दैट टाइम इट वाज सेंट टू ए स्टैंडिंग कमेटी। अब ये स्टैंडिंग कमेटी मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई बिल के अंदर जो प्रोविजन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है या ट्रिकी है या कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इस बिल के ऊपर या बिल के अंदर जितने प्रोविजन है उसके ऊपर ठीक से रिसर्च एंड स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की ओर भेज देते हैं। अब ये स्टैंडिंग कमिटी में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहता है, वो एक मिनी पार्लियामेंट आप बोल सकते हो। इसके अंदर अच्छा सा डिस्कशन होगा, ऑन ग्राउंड स्टडी होगा बिल के अंदर जितने प्रोविजन है उसके बारे में। वो चाहे तो किसी को एग्जामिन कर सकता है, कोई एक्सपर्ट्स को बुलाना है वो भी कर सकता है। बेसिकली बिल के अंदर जितने प्रोविजन है उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कोई प्रोविजन को अबोलिश करना है या कुछ नए प्रोविजन को ऐड करना है, वो सारे खुल मिला के एक रिपोर्ट इनको सबमिट करना होता है पार्लियामेंट में। अब खास बात यह है दोस्तों, जब ये रिपोर्ट सबमिट होता है ना वो एडवाइजरी नेचर का होता है। पार्लियामेंट चाहे तो जो रिपोर्ट में लिखा है वो कर सकता है या छोड़ भी सकता है, बेसिकली वो एडवाइजरी नेचर का है। दिस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये बिल जो है स्टैंडिंग कमिटी को और भेज दिया था और अब ये रिपोर्ट सबमिट किया है, फाइनली ये बिल इस मानसून सेशन में पास भी हो चुका है। इट सीक्स टू ब्रॉडन द कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स फॉर विच एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैन डिटरमिन टैरिफ बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स। अब देखिए इसमें एयरपोर्ट्स का डेफिनेशन ही चेंज किया है इस बिल के अंदर, ऐसे प्रोविजन है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, इनिशियली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देश में जितने भी एयरपोर्ट्स थे, मेजर एयरपोर्ट्स हो या माइनर एयरपोर्ट्स, उनका रनिंग मैनेजिंग वगैरह करता था। पर आफ्टर सम टाइम हमारे सिविल एविएशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया गया एंड सम प्राइवेट प्लेयर्स वर आल्सो गिवन एयरपोर्ट्स टू रन। आपको मैंने करीब एक हफ्ते पहले एक वीडियो में यह बताया था, हमारे देश में कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबका हैंडलिंग प्राइवेट कंपनीज के पास है। द रीजन बिहाइंड दिस वाज टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद ग्रेट सर्विसेज। गवर्नमेंट का कहना यह था कि कंज्यूमर्स को या पैसेंजर्स को ग्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये दिया है। आपको पता है जब भी कोई कॉर्पोरेट एंटिटी एक सिस्टम को हैंडल करता है उसमें सर्विसेज फैसिलिटीज वगैरह हाई एंड का होता है। द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। अब आता है दोस्तों एरा एक्ट। अब ये एरा एक्ट क्यों पास किया था, इट वॉज सेटअप कीपिंग इन माइंड दैट कंट्री नीड्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ये सारे एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली टैरिफ क्या होनी चाहिए एंड जो एयरपोर्ट्स में डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी, वो सब कितना होना चाहिए, एयरनोटिकल सर्विसेज लाइक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, लैंडिंग एंड पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, ये सबका चार्जेस कितना होना चाहिए। तो ये सारे डिसाइड करने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड चाहिए या एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पास किया, एक एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसके थ्रू एरा बना। एरा मतलब एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या आपको पता है, मतलब जब भी कोई बॉडी पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक लॉ से बनता है या स्टैट्यूट से बनता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से बना है तो उसको क्या बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेगा। तो बेसिकली जो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपको याद रखना है। और एक बार बता देता हूं, द एरा रेगुलेट्स टैरिफ्स एंड अदर चार्जेस। देखिए जब भी आप एक फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो जो फ्लाइट चार्जेस के नीचे उसका ब्रेकडाउन लिखा रहता है उसमें आपने देखा होगा डेवलपमेंट फी इतना है, पैसेंजर सर्विस फी इतना है, तो ये सब रेगुलेट करता है एरा, यही डिसाइड करेगा ये कितना होना चाहिए या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह सब चीज।
एंड फॉर एयरोनॉटिकल सर्विसेज, एयरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए चार्जेस कितना होना चाहिए? देखिए, जब भी इन एक एयरलाइंस एक एयरपोर्ट यूज करते हैं तो उनको काफी खर्चा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का पैसा देना पड़ेगा. एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब जो एटीसी में बैठ के एरोप्लेन के अंदर पायलट से जो बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन होता है, वो एटीसी में होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल. उसके लिए एक टावर होता है, आप एयरपोर्ट्स में देखा होगा, ऐसा बड़ा सा टावर रहता है, उसके ऊपर कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठते हैं, वही कम्युनिकेशन करते हैं पायलट के साथ. तो ये जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसका पैसा देना पड़ेगा एयरलाइंस को, एयरपोर्ट को. लैंडिंग एंड पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं? ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज जितने भी है, मतलब एयरक्राफ्ट को टैक्सी वगैरह करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कुछ गाड़ियां रहता है, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स रहता है, वो सबका चार्जेस एयरपोर्ट एयरलाइन से लेता है. तो वो भी कितना होना चाहिए, वो भी रेगुलेट कौन करता है? एरा करते हैं. तो आप समझ गए ना एरा का काम क्या है बेसिकली, यही मेरा मतलब था. अब दोस्तों, नया प्रोविजंस क्या क्या है देखिए. 2008 के एक्ट के अंदर ये लिखा था, कोई भी एयरपोर्ट को अगर मेजर एयरपोर्ट नोटिफाई करना है तो उधर का एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है मिनिमम 35 लाख होनी चाहिए. इस बिल में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एयरपोर्ट को एक नोटिफिकेशन के थ्रू मेजर एयरपोर्ट नोटिफाई कर सकता है. मतलब ये 35 लाख वाला जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया. अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों किया. देखिए दोस्तों, इट विल अलाउ एरा टू रेगुलेट टैरिफ. मैंने आपको एरा के बारे में बताया था. अब ये एरा उन एयरपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेट कर सकते थे जो मेजर एयरपोर्ट्स थे. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, कोई भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट नोटिफाई करेगा तो क्या होगा, एरा का जो पावर्स है वो वाइड हो जाएगा. ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर एरा का कंट्रोल होगा, राइट. अब एक है प्रॉफिटेबल क्लबिंग. देखिए, ये गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट विल बी एबल टू क्लब प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स. इधर एयरपोर्ट्स क्लबिंग की बात किया जा रहा है. आपको पता है हमारे देश में मेजर एयरपोर्ट्स भी है जहां एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक वगैरह ज्यादा है, एंड ऑब्वियस ये पता है वो एयरपोर्ट जो है प्रॉफिट में होगा, इतने ज्यादा बिजनेस हो रहा. तो अब ऐसे कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं. अब गवर्नमेंट क्या करेगा, मेजर एयरपोर्ट्स को या प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स को इन नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स के साथ क्लब करेगा, एंड ऐसे पैकेज देगा प्राइवेट प्लेयर्स को. मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो इनको ये प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ ये नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट भी क्लब करके मिलेगा. तो क्या होगा, जब मेजर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा साथ साथ जो नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है या जो माइनर एयरपोर्ट है इसका भी डेवलपमेंट होगा. तो ये गवर्नमेंट का प्लान है. अब व्हाट इज द नीड टू अमेंड द एयर एक्ट. देखिए, एयरपोर्ट्स रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग ए मोनोपोली. आपको पता है एयरपोर्ट्स में अभी प्राइवेट प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस है. फॉर एग्जाम्पल, 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट्स अवार्ड किया था प्राइवेट प्लेयर्स को, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी एक्सेट्रा. मतलब कुछ सालों के लिए, करीब मुझे लगता है 40 साल के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कर सकता है इन प्राइवेट प्लेयर्स. और 2020 में भी लीज में दिया था 6 एयरपोर्ट्स. कौन कौन सा, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर, इंदौर, त्रिची एक्सेट्रा. तो अभी एक प्राइवेट प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस जो है ज्यादा हो रहा है, तो इन सबको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राइवेट प्लेयर्स का एक मोनोपोली बन जाएगा. देखिए, तारीफ ही सब कुछ होता है. कंज्यूमर को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करता है, पेमेंट, कितने पैसे देना होता है एक एयरलाइंस के लिए अपना सर्विसेज यूज करने के लिए. तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो चाहिए ना, और इन रेगुलेटरी अथॉरिटी का पावर भी वाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ एयरपोर्ट्स में नहीं कर सकता, उन एयरपोर्ट्स में नहीं कर सकता, इस चीज में नहीं घुस सकता, ऐसा नहीं. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एरा एक्ट का अमेंडमेंट ला रहा है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का मोनोपोली ना हो, राइट. टू एंश्योर दैट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स डू नॉट मिस यूज देयर मोनोपोली, नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर इन द एयरपोर्ट सेक्टर वाज फेल्ट. ठीक है, एयरपोर्ट सेक्टर में टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए, इसलिए ये एरा एक्ट में इस तरह की अमेंडमेंट ला जा रहा है. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लान्स टू क्लब ईच ऑफ दिस एयरपोर्ट्स विद नियर बाई स्मॉलर एयरपोर्ट्स फॉर जॉइंट डेवलपमेंट. ये मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो प्लान क्या है, क्लब करेगा एयरपोर्ट्स को जो छोटे मोटे एयरपोर्ट से आसपास में उसके साथ, ताकि दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो. अब फाइनली, बेनिफिट्स ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग द एयर कनेक्टिविटी टू रिलेटिवली रिमोट एरियाज. देखिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की बात हो रही है. कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगा, मैंने आपको बोला था इस बिल में ऐसा प्रोविजन है विच एंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर एयरपोर्ट्स. क्लबिंग ऑफ एयरपोर्ट्स हो रहा है, मतलब मेजर एयरपोर्ट्स को, जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स को स्मॉलर एयरपोर्ट्स के साथ क्लब करके गवर्नमेंट उधर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट ला रहा है. तो इससे क्या होगा, जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स है, नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स है, वो डेवलप होगा, उधर जो फैसिलिटीज है वो इंप्रूव होगा. और फैसिलिटीज जब इंप्रूव हो जाएंगे, सर्विस जब इंप्रूव हो जाएंगे, पैसेंजर्स ज्यादा आएंगे. पैसेंजर्स ज्यादा आने से क्या होगा, डिमांड होगा कनेक्टिविटी का, मतलब एयरलाइन कंपनीज जो है उन एयरपोर्ट्स के लिए भी फ्लाइट डालेगा. तो इसी तरह एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा.
एंड एक्सपेडिटिंग द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। आपने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा ना, उड़े देश का आम नागरिक। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, लेटिंग कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्लाई। बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जितने भी रीजनल रिमोट एरियाज में एयरपोर्ट्स हैं वो सबको आपस में कनेक्ट करना, और जो आम लोग हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस में एयरक्राफ्ट में चढ़ के दूसरे जगह में जाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उड़ान स्कीम का। तो ये जो उड़ान स्कीम की जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी एक्सप्लेन करेगा ये जो न्यू लेजिस्लेशन है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है, इट ऑल्सो सीक्स टू बूस्ट इंक्लूसिव नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली हमारा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एंड जॉब ग्रोथ होगा, बेसिकली ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी एंड एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होगा ही हर स्टेट्स में। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा ये न्यू लेजिस्लेशन के बारे में, जो मेजर पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको कैसे समझ में आया, अच्छा समझ में आया या नहीं, कंसेप्ट क्या है वो समझ में आया है कि नहीं। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।